Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है And also I have this very very special box here क्योंकि अभी क्रिसमस टाइम आने ही वाला है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा यू नो डिफरेंट ब्रांड्स एडवेंट कैलेंडर्स लॉन्च करते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एडवेंट कैलेंडर क्या होता है तो बेसिकली क्रिसमस टाइम पे ट्वेल्व फिफ्टीन या ट्वेंटी फ़ाइव डेज के ऐसे बॉक्स आते हैं एंड इनके अंदर यू नो अगेन ट्वेल्व फिफ्टीन या ट्वेंटी फाइव डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनको आपको क्रिसमस के मंथ के ईच डे ओपन करना रहता है एंड एवरी डे यू गेट वन गिफ्ट एंड ऑल्सो एडवेंट कैलेंडर्स मेक फॉर द परफेक्ट गिफ्ट अगर आप लोग ऐसे ढूंढ रहे हो टू गिफ्ट गि समथिंग फॉर क्रिसमस एंड इफ दैट पर्सन इज लाइक इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड ऑल तो आप ये जरूर गिफ्ट कर सकते हो इट लुक्स सो प्रिटी इट इज अ परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एडवेंट कैलेंडर में मतलब uh, पूरा जो इसका प्राइस रहेगा इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो बॉक्स के वैल्यू से ज्यादा वर्थ होते हैं मैं हर साल काफी ज्यादा एडवेंट कैलेंडर की वीडियोज बनाने का मेरा मन करता है बिकॉज आई

कॉमेंट जरूर करना आई वुड लव टू यू नो ओपन द बॉक्स अप एंड सी वॉट ऑल इज़ इन साइड बट येस इस साल शुगर पॉप ने एडवेंट कैलेंडर लॉन्च किया एंड आई वॉज सुपर 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 एक्साइटेड टू यू नो ओपन दिस वन अप एंड ये वाला जो बॉक्स है ये शुगर पॉप एक्स एलिसिया सूजा एक इलस्ट्रेटर हैं उनके कोलाब्रेशन में ये बॉक्स बनाया गया है एंड आई एम सो 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 एक्साइटेड टू ओपन दिस बॉक्स एंड चलो इफ आर इंटरेस्टेड टू नो वॉट ऑल इज इन साइड दिस बॉक्स कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड बट इफ यू न्यू टू माई चैनल प्लीज टेकआउट द मोवमेंट हिट दट रिट सब्सक्राइब बटन एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैरिंग राइट इन द वीडियो तो सबसे पहले अगर आप इस बॉक्स को देखोगे तो ये बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटिफुल मिंट ग्रीन ऐसे टाइप के कलर में है इसका जो बेस है एंड देन इसके ऊपर शुगर पॉप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हुए हैं देन क्रिसमस थीम के काफ़ी सारे यू you नो know, इसमें डूडल आर्ट है जो कि अलिसिया सूजा इज नोन फॉर हर डूडल आर्ट तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा क्यूट सा बॉक्स है एंड इसमें ऐसे ऑल अराउंड सेम बना हुआ है इधर नीचे शुगर पॉप की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे एक वाइट कलर का रिबन है जिससे कि हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे एंड देन इट हैज दिस ट्राइंगल वाला शेप तो आई रियली लाइक द शेप एंड द डिज़ाइन ऑफ दिस बॉक्स एंड इसको देख के ही बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि चलो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है तो यहाँ पे एक वाइट कलर का रिबन है जिसको हम लोग खोलेंगे

तो लेट्स सी कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या क्या है वैसे तो कायदे से आपको आ, हर दिन एक खोलना रहता है बट हु हैज़ दैट मच ऑफ पेशेंस राइट तो चलो सब कुछ देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है तो सबसे पहले हम लोग अपना बॉक्स नंबर वन निकालने वाले हैं इसमें एक बहुत ही क्यूट सा स्नोमैन बना हुआ है एंड ये ड्रॉर ऐसे पूरा बाहर आ जाता है एंड हैव अ नेल पॉलिश तो ये है शुगर पॉप की नेल लाकर जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मुझे बहुत पसंद है इनकी नेल पेंट मेरे पे ऑलरेडी काफी सारे शेड्स हैं और ये वाला एक नया शेड ऐड हो गया दिस इज इन द देड जीरो फर्स्ट में निकला है ये नेल पेंट Second, में बना से तो में है क्यूथ सर रेनडियर एंड अ स्मॉल रेनबो योर तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है ओके okay, तो इसमें है एक लिपस्टिक एंड दिस इज द शुगर पॉप का मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड जीरो टू मॉव मैं आप लोगों को शेड दिखा देती हूँ सो दिस इज वट द शेड लुक्स लाइक इट इज अ वेरी वेरी प्रिटी न्यूड मॉव कलर एंड दिस इज आई एम व्यरिंग ऑन माई लिप्स राइट नाउ बहुत ही ज्यादा सुंदर परफेक्ट एवरी डे न्यूट शेड फॉर द विंटर्स एकदम परफेक्ट लगेगा एंड लुक एट द कलर इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी एंड आई एब्सोल्यूटली लव इट पॉप का मेकअप मुझे ऑलरेडी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने इनका ऑलमोस्ट सारा जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था मैंने सब कुछ ही ट्राई किया हुआ था एंड आई हैव अ वीडियो शुगर पॉप की और रिव्यू वीडियो तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो लेट सी अगर आज हमें कुछ नया मिलता है इस बॉक्स में या सब कुछ वही मिलता है पुराना वाला मैं ये लिप कलर यूज़ कर चुकी हूँ बट ये शेड नया है एंड आई लव दिस लिप कलर वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड काफ़ी सुंदर लग रहा है तो थर्ड बॉक्स में बना एक वेरी प्रिटी जिंजर ब्रेड हाउस एंड इसके अंदर वी हैव अ ब्लश तो इफ यू गाइज रिमेंबर मैं इस ब्लश को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने मेकअप uh, ट्यूटोरियल्स में एंड मैं आप लोगों को काफ़ी बार ये रेकमेंड कर चुकी हूँ तो मुझे ना ये ब्लश बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट इज़ सो इन एक्सपेंसिव एंड उस प्राइस uh, के अकॉर्डिंग जो इसका पिगमेंट है वो बहुत अच्छा है एंड ऊपर से ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ब्लश भी है दिस इज़ द शुगर पॉप का अल्ट्रा एच ब्लश इन द शेड जीरो वन रोज़ मेरे पे जो शेड है वो शेड थोड़ा अलग है वो ऐसा कॉरल पीची कलर है एंड दिस इज़ लाइक स्टार्क पर्पली पिंक कलर दिस विल सूट अ लॉर ऑफ़ इंडियन स्किन टोन्स दिस इज दिस शेड एंड इट विल लुक रियली रियली प्रिटी काफ़ी पिगमेंटेड एंड लॉन्ग लास्टिंग इनके ब्लशेज़ होते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड द पैकेजिंग अगैन इज़ वेरी वेरी क्यूट सो ये था जो थर्ड प्रोडक्ट जो हमें मिला है एंड वीडियो के एंड में ना हम इन सबके एम आर पी कैल्कुलेट करके देखेंगे कि जो बॉक्स की वैल्यू है उससे हमें ज़्यादा के प्रोडक्ट्स मिले हैं या नहीं तो चलो फोर्थ वाला ड्रॉर ओपन करते हैं फोर्ट ड्रॉर में एक बहुत क्यूट सी बस बनी हुई है और उसके ऊपर एक क्रिसमस ट्री ओके क्रिसमस ट्री ऐसा घर ले जा रहा है इस टाइप का आर्ट है सो so, इसके अंदर अगेन वी हैव नेल पॉलिश एंड ये वाला है एक ग्लिटर नेल पेंट इन द सिल्वर ग्लिटर अभी ये वाला जो है ये काफ़ी ज़्यादा यू नो सुंदर लगता है अगर आपको ब्यूटीफुल uh, सा नेल आर्ट करना है तो आप यू uh, नो you know, सारे सेम कलर के नेल्स करके एक एक्सेंट नेल ऐसे ग्लिटर का कर सकते हो एंड इट सीम्स वेरी वेरी पिगमेंटेड इनकी नेल पेंट्स मैंने जैसे बताया बहुत अच्छी होती है सो यस आई लाइक दिस शेड में चलो बट अपने फिफ्थ की तरफ फिफ्थ इज़ अ क्यूट डॉग विद अ अटल क्रिसमस हैट एंड इसके अंदर हमारे पास आई थिंक ये एक और लिपस्टिक है यस दिस अगेन लिपस्टिक तो ये वाली लिपस्टिक है इनकी सैट एंड मैट लिपस्टिक जहाँ तक मुझे याद है ये इसकी पैकेजिंग चेंज हुई है इसमें यहाँ पे एक लेडी uh, बनी है आई डोंट नो डोंफ ये अलिसिया सूजा नहीं आई थिंक ये सब डिजाइन किया होगा uh, क्योंकि जो बाकी है इनकी ये स्टैंडर्ड पैकेजिंग है ऐसे मल्टी कलर रेनबो वाली ये नई पैकेजिंग है एंड दिस इज़ दैट इन मार्ट लिपस्टिक अगेन मैं इस लिपस्टिक रेंज को ट्राई कर चुकी हूँ बट मेरा मेरे पास जो शेड है वो अलग शेड है दिस इज इन द शेड लोटस एंड दिस इज़ वॉट दिस वॉच लुक्स लाइक अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी पिंक कलर थोड़ा सा डीपर पिंक है तो इंडियन स्किन टोन्स पे काफ़ी अच्छा जाएगा एंड अगैन ये वाली जो लिपस्टिक है ये काफ़ी यू नो ऐसा डेमी मैट फिनिश लगता है शाइन करती है जैसे कि सैटन मैट है ही एंड इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग बट हाँ ये कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा एंड आप इसको बहुत आसानी से रीअप्लाई कर सकते हो सो यस दिस वॉज़ आर फिफ्थ ड्रॉर मूविंग ऑन टू दिक्सथ ड्रॉर दैट इज़ फॉर द सिक्स डे इसमें बहुत क्यूची एक वोलन कैप बनी हुई है एंड वेन आई ओपन एट आई गेट अ कॉम्पैक्ट पाउडर ही तो मैंने शुगर पॉप का कॉम्पैक्ट आई थिंक यूज़ नहीं किया है हाँ मेरे पास शुगर पॉप का कॉम्पैक्ट नहीं था तो दिस इज़ समथिंग न्यू जो मेरे पास पहले से नहीं है एंड दिस कॉम्पैक्ट इज़ इन द शेड जीरो वन सैंड जो कि आई थिंक मेरे लिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा एंड इट सेज दिस एज यू वी प्रोटेक्शन ऑल्सो आई डोंट नो एस पी एफ कितना है वो इसमें लिखा नहीं है बट हाँ यू वी प्रोटेक्शन लिखा हुआ है इसमें सो दैट इज़ गुड एंड काफ़ी बड़ा इसका पैन है एंड दिस सेज इट इज अ लॉन्ग वेरिंग कॉम्पैक्ट ओके सो इट हैज़ अ फुल साइज मिरर जो कि बहुत सही है काफ़ी अच्छा काम आएगा एंड अगर मैं हल्का सा पाउडर लगा के देखूँ येस इट इज़ लाइटर फॉर माई स्किन टोन बट हाँ अगर मैं किसी डार्क फाउंडेशन के साथ या फिर अंडर आइज पे इसे यूज़ कर सकती हूँ काफ़ी ब्राइटन अप कर रहा है मेरी अंडर आइज़ को उतना ज़्यादा इसमें कवरेज नहीं है बट uh, थोड़ा बहुत कवरेज भी है एंड बहुत अच्छे से इसने मेरी अंडर आई ब्राइटन करी है क्योंकि ये शेड मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है बट येस दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट इसको मैं ट्राई करके देखूंगी कि ये uh, कितना लॉन्ग वेयर है बट दिस वॉज द सिक्स प्रोडक्ट तो हम लोग ऑलरेडी हाफ कर चुके हैं दिस हाफ इज़ डन दिस हाफ इज़ लेफ्ट एंड आई एम एक्साइटेड टू गेट अ लिटिल मोर न्यूअर प्रोडक्ट्स क्योंकि मुझे अभी तक तो वही प्रोडक्ट्स मिले हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ तो चलो अपना सेवन ड्रॉर खोलते हैं विच हैज अ क्यूट सेंडा क्लॉस योर ओके वी हैव द शुगर पॉप का मेकअप ब्लेंडर मेरे पास इनका मेकअप स्पॉन्ज आई थिंक नहीं है शुगर पॉप का एंड मुझे पता भी नहीं था कि इनके पास ये भी है लाइक ब्यूटी ब्लेंडर भी है बट एनी वेज अगेन ये इनका जो क्लासिक ब्रांडिंग कलर है मिंट ग्रीन यहाँ पे भी इस तरीके से स्लैंट है नीचे भी स्लैंट है तो इसको आप बहुत आसानी से बेकिंग से के लिए या कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट लाइक नॉट द सॉफ्टेस्ट बट हाँ ये फिर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फील हो रहा है एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट आई गॉट सो यस दैट वॉज द सेवेंथ ड्रॉर मूविंग ऑन टू द एथ ड्रॉर जिसमें कि एक सेंटा क्लॉस टाइप का बच्चा बना हुआ है जो कि स्ले में चल रहा है एंड अगेन वी हैव अ लिपस्टिक हियर तो ये है शुगर पॉप की मैट स्टिक अगेन मैं इस वाली रेंज को भी मैं लिपस्टिक के आई थिंक सारी रेंजेस ट्राई कर चुकी हूँ इनकी दिस इज द मैट लिपस्टिक एंड ये ऐसे बुलेट पैकेजिंग में आती है ये वाली लिपस्टिक्स मुझे बहुत पसंद है एंड दिस इज वट द शेड ज़ीरो वन टॉप लुक्स लाइक नाउ नाउ पैकेजिंग में जो इधर टॉप कलर बना हुआ है इट इज़ अ ब्राउन कलर तो मुझे लगा है ब्राउन न्यूड होगी बट इट इज़ मोर लाइक अ ब्लश पिंक रोजी पिंक काइंड ऑफ अ कलर जो कि अच्छा लग रहा है एंड बट आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग अ ब्राउन न्यूड कलर आई डोंट नो कि एक सेकेंड देखते हैं इनके उसमें कि सारे कलर्स फिक्स्ड हैं या फिर आपको अलग अलग बॉक्सेस में डिफरेंट कलर के लिपस्टिक्स मिल सकते हैं जैसे नहीं इसमें सारे कलर्स सेम ही हैं सो so हर किट में आपको सेम ही कलर के लिपस्टिक्स मिलेंगे तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ शेड्स यही शेड्स आपको मिलने वाले हैं तो हम लोगों का एट डेज हो चुका है मूविंग ऑन टू द नाइन्थ डे इसमें एक बहुत प्रिटी क्रिसमस प्रेजेंट बना हुआ है आई लव ऑल दीज डूडल आर्ट्स एंड मैं इस डब्बे को बिल्कुल फेंकने वाली नहीं हूँ आई लव दिस बॉक्स अगेन अ नेल पेंट एंड दिस नेल पेंट अगेन ये वाला जो कलर है मेरे पे है ये इनका जो ब्रांडिंग का ही कलर है उससे हल्का सा लाइट है दिस इज इन द शेड सेवेंटीन मिंट मार्बल मिंट ग्रीन टाइप का कलर है बट काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट हो गए हैं ऑलरेडी लाइक थ्री नेल पेंट्स आई हैव नाइन में से सो इट इज़ लाइक वन थर्ड बॉक्स में तो नेल पेंट्स ही हैं सो यस आई होप कि बचे हुए तीन में हमें कुछ नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स मिले और नेल पेंट ना मिले अब तो टेंथ डे देखते हैं जिसमें कि एक क्यूट सा क्रिसमस ट्री बना हुआ है एंड ओके दिस वन हैज़ अ स्क्रंची हॉट पिंक कलर का स्क्रंची है विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी आई डू नॉट लाइक दिस स्क्रंची एट ऑल स्ट्रेच वगैरह कंपेरेटिवली ठीक ठाक है बट द मटीरियल इज़ नॉट दैट ग्रेट तो मुझे ये उतना ज़्यादा तो पसंद नहीं आया है बट ठीक है हम लोग यूज़ कर लेंगे कभी सो यस दिस इज़ द स्क्रंची एकदम चटैक्ट पिंक कलर में एंड नेक्स्ट इज इलेवेंथ डे इट इज़ अ हॉट चॉकलेट का कप विद मार्श मेडो फ्लफ ऑन इट एंड इसके अंदर अगेन हमें एक लिपस्टिक मिली है विच इज़ देअर मैट मूज लिपस्टिक अगेन मैं इसका फॉर्मूला ट्राई कर चुकी हूँ दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक्स एंड इसमें मुझे कलर मिला है तेरह मिसो टाट एंड इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी सब ब्रिक रेड ऑरेंज अंडरटोन वाले में कलर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा कलर है सो दिस इज़ वॉट द कलर लुक्स लाइक आउट ऑफ ऑल द शेड्स दिस वन इज़ माई फेवरेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ऑल्सो दिस वन जो मैंने अभी लगाया हुआ है बट इसके जो ऑरेंज बर्नट ऑरेंज ऐसे ब्रिक रेड वाले अंडर टोन्स हैं ना ये वाले इंडियन स्किन टोन्स पे काफ़ी अच्छे लगते हैं सो आई लाइक दिस शेड ये ज़ीरो फाइव तिरामिसट एंड येस दिस वॉज इन द इलेवेंथ एंड द सेकेंड लास्ट ड्रॉर एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट ड्रॉर जो है हमारा ट्वेल्थ ड्रॉर ओह स्पॉयलर इसमें भी लिपस्टिक ही है ओह सॉरी नेल पेंट ही है ओके okay, सॉरी इसमें भी नेल पेंट ही है एंड दिस इज़ अ ग्लिटर नेल पेंट अगैन एंड दिस इज इन द शेड जी एट चेरी ब्लॉसम काफ़ी ज़्यादा प्रटी ग्लिटर है मुझे सिल्वर वाले से ज़्यादा ये वाली पसंद आई है दिस लुक्स वेरी वेरी प्रिटी बट आई वॉन्टेड समथिंग एल्स अदर देन अ नेल पेंट तो वाली नेल पेंट तो मैं एक बार लगा के देखती हूँ बिकॉज मुझे काफी सुंदर लग रही है अभी जैसे मैंने ब्लैक बेस लगाया हुआ है तो इसके ऊपर ग्लेटर अच्छे से वाह दिस इज अ वेरी वेरी प्रिटी इसमें सिल्वर पिंक एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लू पर्पल ऐसे वाले मुझे स्पेक्स दिख रहे हैं बट पिंक एंड सिल्वर के ग्लिटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी ये वाला नेल पेन मुझे बहुत पसंद आया सो येस दीज वर ऑल द 12 ड्रॉर्स ये निकला है इस एडवेंट कैलेंडर के अंदर से अभी मैं एक बार टोटल करके देखती हूँ कि जो मुझे प्रोडक्ट्स मिले हैं वो कितने के हैं um, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि बॉक्स में वॉज वर्थ इट और नॉट ओके सो अभी मैंने सारे प्रोडक्ट्स के एम आर पी टोटल के एक्सेप्ट फॉर दिस क्रंची क्योंकि इसमें नहीं लिखा हुआ है एम आर पी एंड मुझे नहीं पता है कितने का होगा बट बाकी सारे प्रोडक्ट्स का uh, टोटल होता है ट्वेंटी फोर नाइन्टीन दैट इज़ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइनटीन रुपीज़ एंड इसका भी थोड़ा बहुत लगा के लेट्स अराउंडेड ऑफ टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एंड इसमें मेरे को जितने प्रोडक्ट्स मिले हैं दो जो वर्थ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज एंड ये जो हमारा बॉक्स है दिस इज़ प्राइज एट थ्री सेवन फाइव सिक्स दैट इज़ थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स दैट इज़ अ लॉट फॉर थर्टी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट बट येस आई वुड से कि ये जो इसका डूडल आर्ट है एंड अलीशिया एंड शुगर पॉप का कोलाबोरेशन है इसमें इतना ज़्यादा मेहनत लगी है तो यू नो जस्ट वैल्यूइंग द आर्ट आई थिंक द बॉक्स इज डेफिनेटली वर्थ इट बट आपको ये थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ का नहीं मिल रहा है अभी उस पर एक लिमिटेड एडिशन ऑफर चल रहा है नाइनटीन नाइनटी नाइन दैट इज़ टू थाउजेंड रुपीज़ ओनली तो आई थिंक टू थाउजेंड रुपीज़ में गेटिंग दिस ब्यूटिफुल बॉक्स एंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स ज अ ग्रेट ग्रेट डील ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है आपको ऐसा अगर लग रहा है तो इट इज जस्ट दैट आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड टू ओपन कैलेंडर बॉक्स एंड क्योंकि अभी वो हॉलीडे सीजन आ रहा है जिसमें दिस वुड मेक फॉर अ परफेक्ट परफेक्ट गिफ्ट डिफिनेटली गेट यूर हैंड ऑन दिस फॉर टू थाउजेंड रुपीज इनफैक्ट किसी और को कि आप इसको खुद को भी गिफ्ट कर सकते हो जिस फॉर टू थाउजेंड रुपीज इट इज अ वेरी वेरी प्रिटी गिफ्ट ये थे सारे शेड रेंज लिपस्टिक्स के तो यूल गेट अ लॉर ऑफ लिपस्टिक्स एंड अ लॉर ऑफ प्रोडक्ट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए आई विश इट वॉज बिगर विथ ट्वेंटी फाइव डेज ऑफ प्रोडक्ट मुझे खोलने में और ज्यादा मजा आता बट यस आई एब्सोल्यूटली एंजॉयड द एंटायर एक्सपीरियंस एंड आई लव द आर्ट वर्क दैट इज़ डन इन योर तो मुझे अलीसिया सूजा का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया एंड आई लव 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 दिस बॉक्स मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये बॉक्स वर्थ इट लगा या नहीं एंड अगर कोई और एडवेंट कैलेंडर है जो आपको पता हो इंडिया में मिलता है एंड यू वुड वॉन्ट मी टू ट्राई लिव दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल Then stay safe, stay healthy, bye bye.